मॉर्निंग। आज हम पेपर कोलाज बना रहे हैं, उसके लिए हमें कैंची, पेंसिल, रबर, फेविकोल प्लस पेपर और ड्राइंग शीट की आवश्यकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पेज पे आपको पता ही है कि आपको एक बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाने के बाद आपको जो ऊपर स्पेस है उसमें आपको टॉपिक लिखना है, पेपर कोलाज हो गया, डेट आप जिस डेट पे बना रहे हो, आपका नाम और क्लास। तो सबसे पहले हम कोई सा भी एक स्केच बना लेते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने की इसको स्केच ड्रॉ कर रखा है। तो हम एक तरफ क्या करेंगे, एक तरफ ओनली इसका स्केच बनाएंगे और कोलाज इसका दूसरी साइड करेंगे। जैसे कि इधर स्केच और इसके सामने कोलाज करेंगे। तो कोलाज करने के लिए मैंने बताया आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉर्डर बनाना है। तो ये बॉर्डर हो गया आपका। बॉर्डर होने के बाद आपने जो जो आकृतियां बनाई हैं उसी आकृतियों के आप पेपर के शेप्स काट लेंगे। जैसे कि ये आकृति, इसमें से कोई सी भी, जैसे ये आकृति देखो, अब इसको शेप काटने के लिए हम इसको डबल कर देंगे। और डबल करने के बाद में यहाँ से इसका स्केच बना देंगे, इस पर यहाँ से इसका स्केच बना देंगे, यहाँ से इसका स्केच बना देंगे। और हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये हमने क्या कर ली, इसकी कटिंग कर ली। और जैसे हम इसको खोलेंगे ये ओपन हो जाएगा। हो गया। अब मैंने बताया ये पेज, तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड के लिए हमने दो अलग अलग कलर के पेज निकाले हैं। पेज आप चाहो तो कैसे भी निकाल सकते हो। ऐसे प्रकार से हमने सारी आकृतियों का शेप काट लिया है अलग अलग। आप पेपर से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हम हमारे बैकग्राउंड को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड बना देंगे। तो बैकग्राउंड जैसे ये पेज है हमारा, नीचे ग्रीन है तो हम ग्रीन चिपका देंगे, ऊपर ऑरेंज है तो हम ऊपर ऑरेंज चिपका देंगे। इनको चिपकाते हैं अब। तो जैसा कि मैंने बताया, फेविकोल, फेविकोल को आपको पानी में थोड़ा मिलाना है। ताकि पेज अच्छे से चिपक जाए आपका। पानी में मिलाकर पेज चिपकाना है, चिपकाते हैं। देखिए ये हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुका है इसका। अब हम बाकी आकृतियों का जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है उनको उसी अकॉर्डिंग इस पर चिपकाएंगे। जैसे पहली आकृति फेविकोल लगाया हमने, और चिपका दिए। कपड़ा साथ में रखना ताकि कपड़े गंदे ना हो, तो उस कपड़े से हाथ साफ कर लो आप ऐसे। और लास्ट में हम इस पर आउटलाइन कर देंगे। आउटलाइन ब्लैक मार्कर से कर सकते हो, ब्लैक पेन से कर सकते हो, वाइट जो हमारा मार्कर पेन होता है उससे कर सकते हो आप, लेकिन आउटलाइन करना ज़रूरी है। ये देखिए हमारा पेपर कोलाज रेडी हो गया है। तो ऐसे ही आपको पेपर कोलाज बनाना है। थैंक यू।